गोभी का पकौड़ा बनाते हैं बहुत आसान तरीक़ों से, जो बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। 250 ग्राम गोभी को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। इसे अब हम लोग उबाल लेंगे। गर्म उबलते हुए पानी में इसे डालकर 3 से 4 मिनट तक हम लोग इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद ये आधा पक जाएगा और इसे हम लोग निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। निकाल ले, पानी पूरा इसका एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। छान कर अच्छे से ऐसे जगह पे रखें जिससे इसका पूरा ही तरीके से पानी निकल जाए। इसे अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक बर्तन में इसे डालेंगे। इसमें 1 कटोरी बेसन, 2 से 3 चम्मच चावल का आटा, इससे क्रिस्पी बहुत बनेगा। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च डाला है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरा मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट, काला जीरा, जवाइन, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हल्के हाथों से मिक्स करें, नहीं तो गोभी आधा पक गया है ये टूट जाएगा, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर थोड़ा देर तक मिलाने के बाद थोड़ा सा हल्के जोर हाथ लगाएंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम लोग कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब वो अच्छे से गरम हो जाएगा तो गोभी के 4-5 पीस को एक बार डालकर इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक बार में सभी नहीं डालें, एक बार में 5 से 6 पीस डालें जितना में तेल डूब जाए। इसे हम लोग मीडियम आँच पर फ्राई कर लेंगे। आधा पका हुआ है इसीलिए इससे ज़्यादा पकने में समय नहीं लगेगा। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा 3 से 4 मिनट में ही, अगर आज अच्छे से है। ये देखिए ये इसका कलर आ गया है, ये देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं तेज़ आंच करके। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छा बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। आप अपने मनपसंद चटनी सॉस के साथ इसे इंजॉय करें, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो गया है। आप लोग स्नैक स्टार्टर के रूप में इसे इंजॉय कर सकते हैं शाम के समय। आप चाहे तो चीरे भाजा मूढ़ी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बनाना बहुत आसान है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।